अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन चिली। और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है प्याज था उसको चॉप किया। उसके बाद जी हम लोगों ने चिकन को बॉईल करके उसके रेशे कर लिए और उसको फ्राई किया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखें इसमें दही ऐड किया, ठीक है, उसकी भुनाई अच्छे से की। आपको पता है हर चीज़ के लिए अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आपको भुनाई अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग भुनाई कर रहे थे इसकी। उसके बाद हमने इसमें मसाले मसूले ऐड कर दिए जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। साथ ही हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की काट के, ठीक है। ये देखें, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत 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 मज़े की बनती है। तो ये देखें, उसके बाद जो भी आपके घर में मसाले हैं ना, लाल मिर्च, ये ज़ीरा, दरदर मिर्च, ये वो आप सब कुछ ऐड कर दें इसमें। साथ साथ मैं यहाँ पे दही भल्लियाँ बना रही थी क्योंकि शौक से खाई जाती हैं हमारे घर। उसके बाद हम लास्ट में गार्निश करेंगे इससे ये धनिए की, ठीक है। अब ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आया। इसके अंदर हमने वैसे ना टमाटर भी ऐड किए थे और ये साथ ही हम चिकन जो है वो फ्राई कर रहे थे। हमने इसके ऊपर ना टमाटर भी डाले थे, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की उसकी। ये जी दही भल्लियों की तैयारी हो रही है साथ साथ, और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको फाइनल लुक, ठीक है। ये चिकन फ्राई हो रहा है और ये देखें हम लोगों ने चिकन चिली के लास्ट में जो है ना, जो हरी मिर्चें थी वो काट के जो है उसके ऊपर गार्निश कर दी और धनिए की। ये देखें, चिकन फ्राई के ऊपर भी और चिकन चिली के ऊपर भी। तो ये बहुत ही लजीज बना था, ठीक है ना। इसके बाद जी मैंने साथ साथ खीरे भी काट लिए थे और लास्ट में हम लोग चाय तो ज़रूर पीते हैं, ये हमारी शाम की चाय थी। साथ हम लोग रस भी खा रहे थे क्योंकि पड़े हुए थे। तो बस छोटा सा व्लॉग है मेरा, लेकिन ये है कि आप चिकन चिली लाजमी ट्राई करना, ये बहुत 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 टेस्टी बनती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।